दिस वीडियो इज पावर्ड बाई वंडरशेयर वीडियो कन्वर्टर अल्टीमेट, जिसकी हेल्प से आप वीडियो को 30 गुना फास्ट स्पीड से लगभग सभी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, फॉर्मेट या डिवाइस चूज कीजिए एंड कन्वर्ट कीजिए। ये वीडियो कन्वर्टर के साथ साथ वीडियो एडिटर, डाउनलोडर, मीडिया सर्वर एंड डीवीडी बर्नर भी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विनीत सईफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 आसान मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को देख सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं। वाईफाई का पासवर्ड देखने के लिए आप अपने या फिर अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर में नीचे राइट साइड में नेटवर्क का जो आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड राइट क्लिक करने के बाद ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बिली फॉर यू से कनेक्टेड हूँ, तो जिससे भी वो कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे होगा वाईफाई बिली फॉर यू। उसके ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है वायरलेस प्रॉपर्टीज में एंड वायरलेस प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कनेक्शन एंड सिक्योरिटी। कनेक्शन में आप नेम देख सकते हैं कि इस वाईफाई का नाम क्या है और इसके बाद सिक्योरिटी में जाने के बाद जो है आप यहां पे देख सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी की, बट यहां पे ये जो है अभी हिडन है, तो सिंपली अगर इसे शो करना है तो यहां पे जो शो कैरेक्टर्स है इसको आप मार्क कर दीजिए और ये आपका पासवर्ड जो है वो शो करने लगता है। तो कहीं भी आप जाते हैं, किसी का भी कंप्यूटर अगर रखा हुआ है तो वहां से जो है आप सिंपली उसके वाईफाई के पासवर्ड को देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर से सिंपली आप जो है शो कैरेक्टर्स को अनमार्क कर दीजिएगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी के भी वाईफाई का पासवर्ड, अगर उसका कंप्यूटर आपके पास है तो आप पता कर सकते हैं, या फिर अपना ही अगर भूल चुके हैं आप तो आप यहां से आकर के पता कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वाईफाई पासवर्ड देखने का वो ये है कि आप अपने राउटर को एक्सेस करके वहां से जो है आप पासवर्ड देख सकते हैं। राउटर को कैसे एक्सेस करेंगे, राउटर के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट आईपी एड्रेस या फिर लिंक होगा और उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। अगर वहां पे नहीं है तो आप यूजर मैनुअल चेक कर सकते हैं या फिर सिंपली आप routerpassword.com के ऊपर आ सकते हैं। यहां से आप जो है अपना राउटर चूज कीजिए एंड यहाँ पे फाइंड पासवर्ड का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लगभग जो है सभी मॉडल है, जैसे D-Link मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे मॉडल है। नॉर्मली जो है D-Link में एडमिन एडमिन होता है या फिर एडमिन और ब्लैंक होता है और दूसरे में जो है एडमिन एडमिन होता है, तो आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राउटर के बैक साइड में आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली जो है डिफॉल्ट आईपी एड्रेस, जैसे कि मेरा है 192.168.0.1 और ये हो गया, ये देखिए लॉगिन के लिए आ गया D-Link का। तो मेरा जो है यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी नहीं है, सिंपली मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा एंड लॉगिन करने के बाद जो है आपको जाना है वायरलेस में एंड वायरलेस में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है नेम जो है बिली फॉर यू SSID और उसके बाद जो है पासवर्ड जो है वो ये है QWEASDZXC। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने राउटर में जाकर के जो है पासवर्ड देख सकते हैं अपने वाईफाई का, अगर आप भूल चुके हैं तो। तीसरा जो मेथड है वो है मोबाइल के लिए। आप मोबाइल से भी वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं, आपका मोबाइल हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स का मोबाइल ले सकते हैं, तो वहां से भी आप जो है वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त है और शर्त ये है कि आपका मोबाइल जो है वो रूटेड होनी चाहिए। अगर आपको रूट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है प्ले स्टोर से ES फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन ऑलरेडी होगा, काफी यूजफुल एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा ES फाइल एक्सप्लोरर और उसके बाद सबसे पहले तो आपको जाना है मेन्यू में। मेन्यू में आप नीचे आइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रूट एक्सप्लोरर, इसको आपको सिंपली ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको जो है फिर से ऊपर आना है और यहाँ पे एक लोकल ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जो है टैप कीजिए एंड यहां से आप जाइए डिवाइस के अंदर डिवाइस एंड डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे डेटा में आपको जाना है एंड डेटा में जाने के बाद यहाँ से आपको मिस्क में जाना है MISC एंड फिर से आप नीचे आइए। नीचे आपको जो है वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, वाईफाई के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे सबसे नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं WPA supplicant.conf, इसको आपको ओपन करना है। तो सिंपली आप टैप कीजिए और ES नोट एडिटर की हेल्प से जो है आप इसे ओपन कीजिए। आप किसी और की हेल्प से भी ओपन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ES नोट एडिटर की हेल्प से इसे ओपन करूंगा
एंड देन यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क 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 वगैरह जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो SSID एक्चुअल में जो है वाईफाई का जो नाम होता है उसे ही SSID बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SSID Skynet एंड PSK जो है वो एक्चुअल में पासवर्ड है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं SSID जो है बिली फॉर यू, मतलब नेटवर्क का नाम जो है वो बिली फॉर यू है, एंड PSK जो है वो हमारा पासवर्ड है QWESDZXC। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स अनबॉक्सिंग रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।